नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर के बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन किया। वहीं पेट्रोकेमिकल हब करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये लोगों को रोजगार के नए मौके मुहैया कराएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये घमंडिया गठबंधन सनातन का को तहस नहस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत दुनिया को जोड़ने का समर्थन दिखा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो देश को समाज को विभाजित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कुल मिलाकर एक इंडिया अलायंस बनाया गया है, जिसे कुछ लोग घमंडी गठबंधन भी कह रहे हैं। पीएम ने ये भी कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को मिटाकर देश को फिर गुलामी में ढकेल जा रहे हैं। कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। ये इंडी अलायंस की नीति है, ये घमंडिया गठबंधन की नीति है। भारत की संस्कृति पर हमला करने की इधर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा ने गुरुवार शाम शाजापुर जिले में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यात्रा में शामिल हुए। मोहन भदौरिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा है कि आपसे माटी का रिश्ता परिवार का संबंध है। आपके परिवार और मेरे परिवार ने मिलकर शाजापुर, राजगढ़, झालावाड़ और तक काम किया है। मेरे पूजनीय पिताजी ने शाजापुर से जो मांगा वो दिया और जो नहीं मांगा वो भी दिया। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। शत प्रतिशत मतदान करवाने के लिए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय ने बैठक लेकर 29 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। साथ ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाताओं को फिल्म के टिकट भी दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अलैया राजाटी ने बताया है कि 20 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो शुक्रवार से ही अपने क्षेत्रों में जाकर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। मीटिंग भी है, सभी को इन्हें नोडल ऑफिसर्स की सारे ऑर्डर्स इन्हें जारी हो चुके हैं। इनका अपना अपना नोडल ऑफिसर्स ने प्रेजेंटेशन दिए गए, बेहतर दिए गए। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम लोग ने आफ्टर 1 वीक ना वापस बुलाए हैं इनको। नेक्स्ट है ना 10-15 डेज के अंदर है ना क्या क्या है ना तैयारियाँ ना करना है, पूरा करना है। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के अनुसार उन सबको डायरेक्शन दिया, मैन पावर मैनेजमेंट से लेकर हमको एफएससी एसएससी टीम के ना गठन और हमारा पूरा स्ट्रांग रूम की तैयारियाँ। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक विवादित किताब जमकर वायरल हो रही है। लेखक ने किताब में भगवान श्री राम को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका प्रकाशन मूल निवासी चेतना मंच रीवा ने किया है। आपको बता दें कि मदक लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि ये किताब भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने लिखी है, लेकिन भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने इस तरह की लिखी किसी भी किताब से इनकार कर दिया है। विधायक की दलील है कि उन्होंने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है और ना ही अब तक पढ़ी है। विधायक ने कहा है कि उनके खिलाफ विरोधी लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर भी वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। सपा नेता यश भारतीय ने किताब को सार्वजनिक करते हुए सनातन पर भाजपा के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं।
जनता पार्टी ये बात करती है कि हम प्रभु राम को लेकर के आए और धर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, तो हमारी इस बात पे सबसे बड़ी कड़ी आपत्ति है कि धार्मिक विषय पूरी तरीके से निजी विषय है और आस्था का विषय, कौन व्यक्ति किस भगवान को मानता है, उनकी पूजा किस तरीके से करता है, क्या व्यवस्था को मानता है किस व्यवस्था को नहीं मानता है, उसका निजी विषय है। ये क्या किताब है, कैसी किताब? मैंने तो आज तक इस तरह की कोई किताब के बारे में न जाना, न मैंने छपाया, न मैंने लिखा। अगर लिखा छपा तो कहीं ना कहीं प्रेस का आएगा, तो इसका षड्यंत्र का खुलासा तो होगा, 100% खुलासा होगा, और जो लोग इसमें षड्यंत्र करने लगे वो बचेंगे भी नहीं। और मैं बात भी करूंगा इसमें कि क्या कैसा है, ऊपर भी बातचीत करूंगा। इधर विदिशा के निवासी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के निवास पर पिछले दो दिनों से लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापेमार कार्रवाई चल रही है। गुरुवार को भी दो दर्जन से ज्यादा अधिकारी और पुलिस के जवान पूर्व सांसद के निवास पर तैनात रहे। अंदर किस प्रकार की जांच पड़ताल की जा रही है, किस प्रकार की पूछताछ की जा रही है, इसके बारे में बाहर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश छात्र संगठन द्वारा बीते 3 साल से पैरा मेडिकल छात्रा की परीक्षाएं नहीं होने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों छात्रों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्रों ने शपथ ली है कि अगर परीक्षाएं नहीं की गईं तो वोट भी नहीं देंगे। इस दौरान परीक्षाएं नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया गया। जबलपुर में आयोजित प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय साहू। छात्र संगठन के आह्वान पर आज जबलपुर के घंटाघर में हजारों छात्र जुड़े हुए हैं और आंदोलनरत हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो 3 साल से पैरा मेडिकल की परीक्षाएं नहीं होना बताया जा रहा है। हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। जी बताएं कि आज जो आंदोलन कर रहे हैं क्या कारण है इसका? कि हम लोग की परीक्षाएं नहीं की जा रही है, टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा, स्कॉलरशिप दी जा रही ना उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। हम लोग 2019 के छात्र हैं और अभी 2023 आ गया, हम लोग की 3 साल का कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग अभी हम लोग बस कोई रोजगार है ना, हम लोग को कहीं जॉब मिल रही है क्योंकि हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं आ रहा है। हम लोग करें तो करें क्या करें, और यूनिवर्सिटी जाती है बोलते कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, शिफ्टिंग का काम चल रहा है, काम चल रहा है, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम लोग करें तो करें क्या। आज आप यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने शपथ ली, किस बात की शपथ ली? हम लोगों के पेपर नहीं हो रहे, हम लोग बहुत परेशान है, कॉलेज में फीस देना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। देख सकते हैं कि छात्राओं में जो है वो आक्रोश नजर आ रहा है, यहाँ पर और भी छात्राएं नजर आ रही है जो आंदोलन रहते हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा इशिता। इशिता जी, क्या क्या कारण है आज जो आप लोगों ने शपथ ली है, किस बात की शपथ ली है और क्या कारण है? हमारे 3 साल से पेपर नहीं हो रहे और अभी भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हमारा बचा हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पे शपथ ले रहे हैं। किस बात की शपथ ली आप लोगों ने? हम लोगों ने इस बात की शपथ ली, अगर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के हाथ में जो तख्ती है उसमें परीक्षा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं? हाँ, तो अगर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो निश्चित ही जिस प्रकार का आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं कि छात्रों का आक्रोश है, चूंकि 3 साल हो गए इनकी ना तो परीक्षाएं हो पा रही, और परीक्षाएं हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा, और रिजल्ट नहीं आने से उनकी ना तो स्कॉलरशिप आ रही, बहुत से तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, चूंकि ये मामला जो है पूरे प्रदेश का है और जबलपुर में इसका आंदोलन दिखाई दे रहा है। आप देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितने जल्दी संज्ञान लेती है और परीक्षाएं आयोजित करवाती है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कैमरामैन अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से भाजपा बेहद उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यात्रा में शिरकत करेंगी। स्मृति ईरानी आपको बता दें कि 16 सितंबर को सीहोर पहुंचेंगे। आष्टा विधानसभा में मेना से जन आशीर्वाद यात्रा शुरुआत की जाएगी। वहीं अलीपुर, किलोरामा, बेदाखेड़ी, कोठरी होकर यात्रा रथ सीहोर मुख्यालय पहुंचेगा, जहां रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इधर दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों पर राय तो बनी, लेकिन टेंशन भी दिखाई दिया है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट रोक दी है, आखिर ऐसा क्यों किया है, देखिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस को किसका डर, टिकट फाइनल फिर भी अगर मगर।
एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस फिलहाल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं करेगी। दिल्ली में दो दिन हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेताओं से 1-to-1 चर्चा की गई, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की। लगता है उम्मीदवारों के नाम घोषित करने को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसके पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। संसद के विशेष सत्र और ईडीआईटी की छापेमारी समेत कुछ और भी वजह है। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर आशंका भी जताई थी। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के साथ ईडी अपना काम करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे इन्हें हमेशा यही दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चोरी ही की है। अरे ईडी का, सीबीआई का, किसी का भी छापा पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वैसे इस आरोप का बीजेपी ने सिरे से खंडन किया है, साथ ही कांग्रेस राज के भ्रष्टाचार को गिनाकर दिग्गी को आईना भी दिखाया। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़, राजस्थान में शासकीय जो सत्ता में है उस पर छापा डाल रहे हैं, ये उनके घबराहट की निशानी है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस में टिकट में हो रही देरी के 5 कारण हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, प्रत्याशियों और प्रशासनिक दबाव और कार्रवाई का डर, दिग्विजय सिंह ने जताई छापेमारी की आशंका, अपनों की बगावत की आशंका, बड़े नेता समर्थकों के लिए मांग रहे टिकट। वैसे कांग्रेस के टिकट में हो रही देरी को लेकर और भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ से कुछ खबरें।